दोस्तों 2013 बैच के आईपीएस अनुराग आर्य ने इंटरव्यू के दौरान पूछे गए उनसे कुछ सवालों को शेयर किया है, जिसका जवाब देकर वे सफल हुए। आइए जानते हैं उनसे पूछे गए सवाल और जवाब। सवाल नंबर एक, सिविल सर्विसेज ही क्यों? दिया गया जवाब, मेरी पढ़ाई गांव में हुई, सरकार को गांव वालों से छोटी छोटी उम्मीद है, उसको पूरा करना सिविल सर्विसेज में ही संभव है। ये लड़कों का फेवरेट जॉब है जिसमें एक स्टेटस भी है। सवाल नंबर दो, रूरल इंडिया की बिग प्रॉब्लम क्या है? दिया गया जवाब, अवसर की कमी की वजह से लोग शहर जाते हैं, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार जैसी सुविधाएं गांव में मिले तो प्लान रुकेगा। सवाल नंबर तीन, आप स्टूडेंट हैं और बस में जा रहे हैं, उसमें बंदूक लिए एक व्यक्ति लड़की को छेड़ रहा है, तो आप क्या करेंगे? दिया गया जवाब, मैं बातचीत करके उनको समझाने की कोशिश करूंगा। सवाल नंबर चार, आप इतने हट्टे कट्टे हैं, उस बंदूक वाले से लड़ाई नहीं करेंगे? दिया गया जवाब, नहीं सर, क्योंकि अगर उसने फायर कर दिया तो किसी की जान जा सकती है, मैं ड्राइवर को विश्वास में लेकर रास्ते में पड़ने वाले पुलिस स्टेशन में मदद लेने की कोशिश करूंगा। सवाल नंबर पांच, अगर आपकी बस जंगल में हो और मदद न मिले तो बंदूक वाले से कैसे बचेंगे? दिया गया जवाब, मैं बस में सवार युवाओं के साथ मिलकर उनकी बंदूक लेने की कोशिश करूंगा। इसके बाद पैनल ने कहा, ऐसे सिचुएशन में आपने होश नहीं खोए, गुड। सवाल नंबर छह, दिल्ली की 60% आबादी स्लम में रहती है, स्लम की सबसे बड़ी समस्या क्या है? दिया गया जवाब, स्लम की पॉपुलेशन लोकल नहीं है, वो रोजगार के लिए अदर स्टेट से आए हैं, यदि यही सुविधाएं अपने स्टेट में मिले तो वो यहाँ नहीं आएंगे। सवाल नंबर सात, किसी स्पोर्ट्समैन की बायोग्राफी पढ़ी है? दिया गया जवाब, यूएस के लॉन्स आर्मस्ट्रांग की, जो कैंसर को हराकर चैंपियन साइक्लिस्ट बने। सवाल नंबर आठ, ऐसे व्यक्ति से आप कैसे इंस्पायर हो सकते हैं जो ड्रग के मुद्दे में फंस गया हो? दिया गया जवाब, इंस्पिरेशन आदमी से नहीं उनके जज्बे से मिलता है, कैंसर के लास्ट स्टेज पर होते हुए भी जिसने रिकवर नहीं किया बल्कि 7 बार चैंपियन बना। दोस्तों अब तक की सभी वीडियो की लिंक नीचे पिन कमेंट में दी गई है, आप वहां से देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।